अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने ये स्टॉल बनाया है, इसमें मैंने मोतियाँ लगाई हैं और ये बहुत प्यारा लगता है। इसे आप जितना बड़ा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये स्टाइल की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए अच्छा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 प्लाई का ऊन लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। सबसे पहले हम 10 चेन बनाएंगे। अब इसको पहले वाले चैन से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब साइड को पलटेंगे और 5 चेन बनाएंगे। जो दो चेन हैं उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर दूसरे 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब तीसरे 2 चेन में 2 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब साइड को पलटेंगे और 5 चेन बनाएंगे। दो चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी चेन के अंदर ही बनेगा। अब फिर 2 चेन बनाएंगे। अब इसको हम यहाँ जो 2 चेन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है दोनों पर 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, फिर इस 2 डबल क्रोशिया पर दोनों पर 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब बगल में जो चेन गई है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब 2 चेन बनाएंगे। अब इस चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। साइड चेंज करेंगे, 5 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसी 2 चेन में बना लेंगे। अब यहाँ 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। अब 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के अंदर बीच में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, इसी में हम फ्लावर बनाएंगे। अब इसमें बीच से क्रोशिया डालकर 1 फंदा निकाल देंगे। अब 2 पंखुड़ी इस पर और 1 ऊपर बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया,
फिर दो चैन बनाएंगे, इसी के अंदर डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी के अंदर हमें बनाना है। फिर दो चैन बनाएंगे, इसी के अंदर डालकर और फिर एक फंदा निकाल लेंगे। अब मोती को आगे खिसकाकर मोती से एक चैन, मोती डालकर एक चैन बना लेंगे। अब हम इसको घुमाएंगे, घुमाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर दो पंखुड़ी इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर एक फंदा निकाल लेंगे और दो चैन बनाएंगे, और उसी डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दो चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, फिर दो चैन बनाएंगे और इसमें फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसमें डालकर। और ये मोती की जो चैन बनाया, अब इसमें हम क्रोशिया को डालकर, मोती वाले चैन में क्रोशिया को डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह मोती मेरी बीच में फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, अब दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे, साइड पलटेंगे, ये इसको पीछे पलट देंगे, ये ऐसे है, इसको पलट देंगे और जहाँ दो चैन एक डबल क्रोशिया बनाया था वहीं पर हम क्रोशिया को डाल देंगे फ्लावर के पीछे, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे, अब यहाँ पर मेरा तीन डबल क्रोशिया है, हर डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब दो चैन बनाएंगे, अब इसमें दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, अब साइड चेन करेंगे, इसमें पांच चैन बनाएंगे यहाँ पर, अब इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, ये बना लिया। अब यहाँ हम तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया है इसको हम स्किप कर देंगे और लास्ट के दो डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, दोनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये बगल में जो दो चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब तीन चैन बनाएंगे, इस साइड में भी ये दो चैन जो है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो डबल क्रोशिया पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाला डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, लास्ट वाला हम स्किप कर दें। इधर भी साइड भी तीन चैन बनाएंगे और उसके बाद दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस साइड से भी पांच चैन बना के ये बना लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे, अब इसमें तीन चैन के अंदर अब हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, अब यहीं से हमारी डिज़ाइन बढ़ेगी, दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया,
अब यहाँ से मेरा एक एक पैटर्न दोनों किनारे से और बढ़ जाएगा ऐसे। अब दो चैन बनाया, एक डबल क्रोशिया जो यहाँ का ये स्किप कर देंगे एक चैन, और दूसरे पर दो फंदे एक ही साथ बुन लेंगे, एक फंदा बुनेंगे और तीनों फंदे को एक साथ निकाल लेंगे। अब ये तीन चैन है ये पीछे, अब इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये बना लिया। अब इधर के दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया एक साथ बुन लेंगे, इसको बुनेंगे और तीनों फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे अब दो चैन बनाएंगे। इस साइड भी अब जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ भी बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया इसी में बनेगा। अब दो चैन बनाएंगे और ये दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम यही बना लेंगे जो बनाया था। ये देखिए अब साइड चेंज करेंगे, ये इधर पांच चैन और ये हमने बना लिया है। अब दो चैन बनाएंगे और ये जो चेन है इसके अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दो चेन के ऊपर दो डबल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ बीच में दो चेन बनाएंगे, फिर इधर किनारे के दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया, इधर चेन के अंदर भी क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर दो चैन बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे, बीच के तीन डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट वाला भी स्किप कर देंगे, फिर दो चैन बनाएंगे। अब फिर इस चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया। अब इस चैन में भी एक डबल क्रोशिया। अब दो चैन बनाकर दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। अब साइड चेंज करेंगे, पांच चैन बनाएंगे, उसके बाद दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बना लिया मैंने, अब दो चैन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना देंगे। हर एक पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये बीच में जो जाली है इसमें दो चैन बनाएंगे, अब इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया अंदर से डाल के एक सिंगल, दो चैन बनाएंगे, अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब दो चैन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी में डाल के, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हम मोती आगे खिसका कर एक चैन बना लेंगे।
अब इसको हम घुमा देंगे। अब इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे हम। अब यहाँ सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दो चैन बनाएंगे और एक सिंगल दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब मोती वाली चैन जो है इसमें हम क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस चैन में क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे और साइड पलटेंगे, जहाँ दो एक डबल क्रोशिया बनाया था दो चैन, वहीं पर फ्लावर के पीछे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया है, तीनों डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन बनाएंगे और यहाँ पहले वाला डबल क्रोशिया जो है उसको स्किप करेंगे, बीच के एक डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक इधर का स्किप करेंगे एक उधर का। फिर दो चैन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे डिजाइन बनकर आएगी। अब दो चैन बनाएंगे, अब इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। अब ये वाले डबल क्रोशिया में पहले इसके अंदर डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चैन बनाएंगे और इसी में हम दो डबल क्रोशिया, अब दो चैन बनाएंगे और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब मोती को आगे खिसका कर एक चैन बना लेंगे। अब इसको हम इस साइड घुमाकर अब ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया इसी में बनाना है, फिर दो चैन बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब मोती वाली चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। मोती वाले चैन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो
दो चेन बनाएंगे, अब एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब साइड चेंज करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ फ्लावर के पीछे जो एक डबल क्रोशिया है उसी में चेन और डबल क्रोशिया के बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब साइड को फिर पलटेंगे और दो चेन बनाएंगे। इसके बगल में जो तीन डबल क्रोशिया है तीनों पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया दो चैन, ये हमने इसके ऊपर यही बना लिया। अब यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे, यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया जो है तीन डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और जाली में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन चैन बनाएंगे और जाली में अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ जो बीच है अब यहाँ पे हमें पांच चेन बनाना है, पांच चेन बनाएंगे, ये एक चेन स्किप करेंगे, एक हाँ वो एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये देखिए एक डबल क्रोशिया स्किप और दो डबल क्रोशिया लास्ट वाले दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, चैन के अंदर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो तीन चैन बनाएंगे, इधर ये चैन में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इधर दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये देखिए, और इधर तीन चैन बना के ये हमें जो बनाना है किनारे हम जो बनाते हैं वो बना लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे, अब यहाँ से फिर एक नई डिज़ाइन शुरू हो जाएगी। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब दो चैन बनाएंगे, फिर इसी में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चैन बनाएंगे, अब यहाँ एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे दो डबल क्रोशिया को एक फंदा बन देंगे, इसको दोनों को एक साथ बुन के तीनों फंदे एक साथ निकाल लेंगे, दो फंदे का एक कर देंगे, ये तीन चैन में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इधर भी दो फंदे को एक फंदा कर देना है हमें। अब तीनों फंदे हो गए, तीन फंदे को एक साथ निकाल लेंगे, इस तरह दो फंदे एक हो जाते हैं। इधर अब दो चैन बनाएंगे, ये जो पांच चैन बनाए थे इसमें हम दो चैन बना के दो डबल क्रोशिया, दो चैन फिर दो डबल क्रोशिया, अब फिर हम दो चैन बनाएंगे, इधर का एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और लास्ट के दो डबल क्रोशिया को एक फंदा हम कर लेंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह हमारा यहाँ एक फंदा घट जाएगा, ये दोनों को एक साथ बुन लिया। अब जाली में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, अब इधर भी दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे हम, दो डबल क्रोशिया का एक डबल क्रोशिया कर देंगे, इसको दोनों को एक साथ बुन लेंगे, तीन फंदे तीनों को एक साथ बुन लेंगे, इधर लास्ट वाला एक डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे। जैसे उधर एक किनारे बढ़ा था इधर इस साइड भी एक और बढ़ जाएगी डिज़ाइन, दो डबल क्रोशिया ये बना लिया, ये इसके ऊपर जो बनता है बना लिया। अब यहाँ पर हम जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया, इस तरह हमारे ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब दो चैन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर भी दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया और जाली में भी एक डबल क्रोशिया,
फिर दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे, ये स्किप कर देंगे जो हमने घटाया था, इसको स्किप कर देंगे और बीच के तीन डबल क्रोशिया पे तीन डबल क्रोशिया बना देंगे। इस साइड का स्किप कर देंगे, इस तरफ का भी ये स्किप कर देंगे, इस पर भी हम नहीं बनाएंगे। अब फिर दो चैन बनाएंगे और यहाँ जाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये दो डबल क्रोशिया के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ दो चैन बनाएंगे, इधर भी दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, इधर जाली में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, अब दो चैन बनाएंगे, इधर का ये जो फंदा घटाए थे ये स्किप करेंगे, तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे उधर बनाया था इधर भी हमने बना लिया। अब यहाँ पर फिर अब हम साइड पलट के आ गए हैं, अब इस तरफ हम यहाँ फ्लावर बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ फ्लावर बन गया, यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे और यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर भी एक फ्लावर, यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब बैक से भी ऐसे जैसे पिछली बार बनाया था इसे इसमें भी बना लेंगे। यहाँ तीन चैन बना के यहाँ एक स्किप करेंगे, दो डबल क्रोशिया पे दो डबल क्रोशिया, जाली में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर तीन चैन बनाएंगे। यहाँ भी एक जाली में डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया। यहाँ पांच चैन बनेगा, अब यहाँ जहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया यहाँ हमें पांच चैन बनाने हैं, यहाँ पांच चैन बनाएंगे, इधर का एक स्किप करेंगे, दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक जाली में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर पांच चैन बनाएंगे, ये देखिए फिर पांच चैन बनाएंगे, फिर एक चैन इधर एक डबल क्रोशिया इधर का स्किप करेंगे, दो डबल क्रोशिया पे दो डबल क्रोशिया। जाली में भी एक डबल क्रोशिया और तीन चैन बनाएंगे। अब इसी तरह हम डिज़ाइन को रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते और जितना बड़ा भी हमें बनाना है उतना बड़ा हम बना लेंगे। इसी तरह हम ऊन के टसल बनाकर, ये मैंने जो 10 चैन बनाया था उसमें ये टसल बनाकर इसको बांध देंगे। इसमें सभी जो मैंने 5 चैन बनाए सभी में इसी तरह ऊन के टसल बनाकर बांध देंगे, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको बना के बांध देने से ये बहुत ही सब पूरे में भी इसमें सब में हम टसल बना के बांध देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।